हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, ये समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश लखनऊ जो है वो ISPCS फ्री कोचिंग की व्यवस्था कराती है, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसका फॉर्म आ गया है, उसको कैसे भरना है वो बता देंगे। और काफ़ी लोग जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था कि सर वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, कैसे लोग रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर सर्च करेंगे भागीदारी भवन लखनऊ, तो आपको देखिए यहाँ जब सर्च किया गया तो ये वीडियो आया, भागीदारी भवन ISPCS कोचिंग वाला। तो ये हमने बनाया हुआ था 8 महीने पहले का, तो ये आप देख सकते हैं कुछ फैसिलिटी के लिए। और बाकी कुछ उसी के वीडियोस या फोटोज़ आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता देंगे कैसे कैसे यहाँ का मतलब रहने का क्या तरीका है, कैसे रहते हैं, खाने का और रहने का, मेस, लाइब्रेरी, ये सब क्या क्या है, सारी फैसिलिटीज़ के बारे में वन बाई वन बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता दें कि भागीदारी भवन जो मतलब समाज कल्याण विभाग के द्वारा 7 से 8, इस बार तो शायद यहाँ पर गोरखपुर में एक नई संस्था भी स्टार्ट हुई है जिसमें 100 सीट्स हैं, ठीक है। तो उसके पहले 7 ही टोटल पूरे यूपी में संस्थान थी, जिसमें से OBC लड़कों के लिए, OBC के जो लड़के हैं उनके लिए सिर्फ भागीदारी भवन लखनऊ, जो जिसमें कि हम लोगों ने भी स्टडी किया हुआ है, तो उसका नाम, पूरा नाम छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो OBC के कैंडिडेट हैं बॉयज़ में, उनके लिए सिर्फ यही है, बाकी और जो संस्थान है वो जनरली SC ST के कैंडिडेट, ज़्यादातर SC कैंडिडेट के लिए हैं। तो इसको सोच समझ कर अपना प्रेफरेंस भरिएगा, ठीक। और दूसरी बात कि जो OBC गर्ल्स हैं उनके लिए आदर्श पूर्व प्रशिक्षण संस्थान है, वो भी लखनऊ में ही है, तो वो गर्ल्स के, OBC गर्ल्स के लिए हैं। तो जो भागीदारी भवन है बॉयज़ OBC के लिए, वहाँ 250 सीट है, जिसमें से लगभग 125 OBC के लिए सीट है, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे यूपी में OBC से अगर आप मेल हैं तो 125 सीटों के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री में इसका फॉर्म है, अभी उसका प्रोसेस भी बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो देख लीजिएगा। और इसका फाइनल जो मेरिट है वो मानकर चलिए दिसंबर लास्ट तक, लास्ट वीक में आ जाएगा, और 5 जनवरी 2023 से संभवतः इसका क्लासेस भी नेक्स्ट सेशन का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वन बाई वन आगे की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिए लोगो है भागीदारी भवन का, छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1997 में ये बना, जब आप जाएंगे साइट पर तो यहाँ सबसे पहले ही आप लोग देखेंगे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्रों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ISPCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो आवेदन को ध्यानपूर्वक भरे, सेव होने के उपरांत कोई भी प्रविष्टियाँ परिवर्तनीय नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, अब इसमें क्या क्या भरना, आवेदन पत्र अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं सही सही भरा जाए, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार भरी जाएगी, आवेदन पत्र में तारांकित भाग जो है उसको प्रविष्ट करना अनिवार्य रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि जो संस्थान है इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, ठीक है। तो अगर फैसिलिटी की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को मिलेगा क्लासेस, सबसे पहले आप लोगों की रहेंगी, जनरली आप लोगों का 6 घंटे पर डे क्लासेस रहेंगी, ठीक है, 2-3 घंटे, 1.5 घंटे की, 2 क्लास मॉर्निंग में, 2 क्लास इवनिंग में, ठीक। और उसके बाद मेस की फैसिलिटी है, फ्री में आपका मेस रहेगा, ठीक, जिसमें सुबह 4-6 बजे और 8 से 9 बजे तक आपको नाश्ता रहेगा, और मेनू के हिसाब से चेंज रहेगा अलग अलग डे। फिर आपको 1 बजे से 2 बजे तक लंच मिलेगा, ठीक है। फिर शाम को 5 से 6, या ये थोड़ा चेंज होता रहता है, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा शाम तक 6 बजे से 7 बजे तक रहता है, ठंडी का है तो 5.30 से 6 बजे तक ऐसे चाय और बिस्किट होता है, और रात में 8 से 9 बजे तक आपका डिनर होता है, ठीक। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, ठीक है, लाइब्रेरी में आपका डिजिटल लाइब्रेरी भी है, उसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर, ये सब सारे मतलब सिस्टम रखे गए हैं, आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो भी मॉक टेस्ट देना है ऐसे कुछ भी। बाकी आपको रूम मिलेगा, रूम में 2 बेड रहेंगे, मतलब डबल्स रहेगा, 2 लोग रहेंगे एक रूम में, ठीक है, और दोनों लोग के लिए अलग अलग एक एक बेड रहेगा, और अलग अलग टेबल चेयर सभी कुछ रहेंगे, और एक एक अलमीरा रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो ये फैसिलिटी मिलती है रूम, बाकी यहाँ पर जिम भी है, ठीक, जिम आप मॉर्निंग और इवनिंग में कर सकते हैं वो है, और ग्राउंड भी अच्छा खासा यहाँ पर है, और लोकेलिटी भी अच्छी है, जस्ट इसके सामने रिवर फ्रंट है, आप लोग मॉर्निंग में जाकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं हम लोग के साथ के, तो देख लीजिए वो कैसे रूटीन यहाँ का रहता है किस तरीके से। तो ये आप देखेंगे, ये देखिए रिवर फ्रंट का पूरा
रिवर फ्रंट पे दोस्तों के साथ ये गए हुए थे। और यहाँ देखिए ये लंच में है, लंच में आपका जैसे कि मेनू के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो जनरली उसमें सलाद रहे, सलाद चावल रोटी सब्जी, और मतलब जिस दिन ये है छोला तो उस दिन छोला रहेगा, नहीं तो सब्जी और दाल रहेगा, मेनू के हिसाब से वो सब सारी चीज़ें रहती हैं। ये मतलब ग्राउंड है, आप लोग यहाँ पर टहल सकते हैं अपने कैंपस के अंदर भी। कैंपस के अंदर ये देखिए पूरा का पूरा लुक है, यहाँ मेन गेट ये है ठीक इस तरीके से, और ये एंट्री है हॉस्टल में। तो सामने ये मेस है इधर, और इधर हॉस्टल ब्लॉक बी है, और इधर ब्लॉक ए, तो हॉस्टल में पूरे के पूरे। और ये देखिए पूरा का पूरा लुक यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरा का पूरा हॉस्टल इधर ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हॉस्टल है। और यहाँ पर देखिए क्रिकेट हो रहा है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और इधर आप देखेंगे कि इधर दर्शक बैठ कर देख रहे हैं। और जस्ट इधर अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के अंदर की भी फ़ोटो अभी आपको आगे दिखा देंगे। और यहाँ पर लाइब्रेरी और क्लासेस चलती हैं ठीक, और ये मेन गेट है। तो आप देख सकते हैं कि लोकेलिटी अच्छी है, ये भागीदारी भवन, पर्सनली भागीदारी भवन लखनऊ के लिए वीडियो ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि इसमें हम वहीं के छात्र हैं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है। बाकी और जगह भी संस्थान है, जैसे कि आपको बनारस में भी मिलेगा, इलाहाबाद में शायद संस्थान नहीं चलता, वहाँ पैसा दे दिया जाता है। इसके अलावा हापुड़ में है और अन्य जगह पर भी है, टोटल 7 से 8 हैं। इस बार तो गोरखपुर में भी एक खुल गया तो 8 हो जाएंगे, और लखनऊ में 2 हैं, तो एक भागीदारी भवन और एक आदर्श पूर्व वाला गर्ल्स के लिए ठीक है। और ये देखिए नाश्ते में है कि पोहा चाय और एक बनाना ठीक। और ये कैंपस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कूलर लगा रहता है, या बेसिन में हाथों धुलकर खाना खाने के लिए जा सकते हैं। ये मनोरंजन कक्ष है, आप यहाँ पर जाकर अगर क्रिकेट मैच या न्यूज़ देखना है तो वो देख सकते हैं फ्री टाइम में। और ये मेस है, मेस में यहाँ बैठ के सभी छात्र साथ में खाना खाते हैं, और ये पूरा का पूरा मेस है। और ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप जाकर जब भी आपको पढ़ना है सुबह 8 से रात को 12 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। और ये मेन गेट पर है, मेन गेट की फ़ोटो है, यहाँ से एंट्री होती है भागीदारी भवन। ये रात का सीन है भागीदारी भवन में, आप देख सकते हैं रात में भी आप खाने के बाद यहाँ टहलने के लिए काफ़ी लोग टहलते रहते हैं। ये रूम है, जनरली आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान थे, तो ये देख लीजिए इसमें क्या रहेगा, आपको 2 बेड मिलेगा, तो एक बंदे के लिए और दूसरे बंदे के लिए ये, और दोनों के लिए चेयर और टेबल यहाँ पर, और टेबल लैम्प इनबिल्ट रहेगा इसमें, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। और सभी रूम में एक खिड़की रहेगी, उसके अलावा पंखा एक रहेगा, लाइट रहेगा ट्यूबलाइट, बाकी स्टडी लैम्प तो रहेगा ही, और बुक रखने के लिए अलमीरा छोटी सी बनी रही। ये ऑडिटोरियम के अंदर की है, जिस दिन टैब वितरित हुआ था सभी कैंडिडेट को, तो उसका ये है ऑडिटोरियम के अंदर की। और इधर देखिए अलमीरा, ये रूम के अंदर आप लोगों को एक एक अलमीरा रहेगा दोनों कैंडिडेट के लिए, और इधर गेट रहेगा ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा दे सकते हैं। और ये है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में देखिए यहाँ कंप्यूटर भी रखा है, उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी नीचे बुक है से, ये फर्स्ट फ्लोर है, इस पर आप लोग पढ़ सकते हैं अपना आसानी से ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे भागीदारी भवन मेन एंट्री है, यहीं पर क्लास चलती है, इधर सारी क्लासेस हैं, यहाँ पर आपका क्लास चलेगा ठीक। और ये अलग अलग डेज का ये भोजन है, तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे। इनका नाम बताइएगा, काफ़ी फेमस, आप जर्नलिस्ट कह सकते हैं, एंकर कह सकते हैं, तो अगर आप लोग को इनका नाम पता होगा तो बताइएगा। और ये ऑडिटोरियम के अंदर की पूरा फोटो है, जब ऑडिटोरियम पूरा स्टूडेंट से भरा रहता है, किसी कोई भी कार्यक्रम होता है तो ऑडिटोरियम में ही जनरली होता है, और काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम भी है। तो आपको यहाँ पर एक है, एक चीज़ है यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आप लोग पहली बात तो एग्ज़ाम देकर ही आ रहे हैं, तो अच्छे स्टूडेंट ही आ पाते हैं, और इस बार से एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। सिलेबस अभी इस बार का कुछ चेंज होगा तो बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, अभी तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए। और 18 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा, और 30 नवंबर तक आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। बस ये याद रखिएगा कि ये जो फॉर्म है ये OBC SC ST के लिए है, और OBC में भी सिर्फ OBC वालों के लिए सिर्फ भागीदारी भवन लखनऊ में ही 125 सीटें हैं, उसके अलावा और कहीं सेलेक्ट आप लोग ना करिएगा, इसलिए याद रखिएगा। गर्ल्स के लिए सिर्फ एक गर्ल्स OBC के लिए आदर्श पूर्व वाला जो है लखनऊ में वो है, और बाकी सारे संस्थान जो है ज़्यादातर SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट के लिए है, तो ये भी याद रखिएगा। और अप्रॉक्स पूरे UP में SC ST OBC पूरा मिलाकर 1000 के आसपास ये टोटल सीट होती हैं तैयारी करने के लिए, जो तैयारी करवाया जाता है। और इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो कोई भी रिजल्ट कभी भी आता है तो यहाँ के कम से कम 2-3 स्टूडेंट वहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट होते हैं। अभी हाल ही में 2021 PCS का रिजल्ट आया, उसमें यहाँ से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एक अजय भाई थे जिनका नायब तहसीलदार के पोस्ट पे हुआ था, अभी आगे उनका फ़ोटो भी दिखा देंगे। और
इधर आप लोग देखेंगे ये गेम भी होता रहता है ठीक। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अजय भाई हैं, नायब तहसीलदार बने हैं, और ये वैभव भाई हैं, ये डिप्टी जेलर बने हैं, और एक नीरज भाई हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं। तो इस बार 3 लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हमेशा होता रहता है, कोई भी रिजल्ट आता है। जैसे लोअर में 3-4 लोग हैं, फिर उसके अलावा RRB NTPC में 6-7-8 लोग हैं, फिर और मतलब जितने भी RO हैं, अभी अलाहाबाद ARO और RO में 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर यहाँ से गए हैं। बाकी अभी UPPCS RO का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें भी यहाँ के 2-3 कैंडिडेट सेलेक्ट होने के 3-4 कैंडिडेट सेलेक्ट होने के पूरे चांस है। कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में रिजल्ट उसका भी आ जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ के मतलब कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग सेलेक्ट ज़्यादातर हो जा रहे हैं। अलग बात है कि मतलब जो प्रॉपर ISPCS के लिए वहाँ पर अभी उतनी ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं है, फिर भी इस बार से शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है कि 3 लोगों ने यहाँ से 3 कैंडिडेट इंटरव्यू कॉल के लिए गए थे UPPCS 2021 के लिए, और तीनों लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ के लिए रही है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को पूरा का पूरा कैसे फॉर्म भरना है वो अच्छे से बता देंगे, क्योंकि उसमें भी 10-12 मिनट लग ही जाएंगे। तो ऑलरेडी ये 12-15 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे फॉर्म कैसे भरना है पूरा प्रोसेस के साथ में। तब तक अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए ऐसे। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।